अभी भी खाना पहले सब में गिर दे। अस्सलामुअलैकुम, आज हम जा रहे हैं जी वर्जीनिया स्टेट में। छोटा काका उधर रहता है और मेरी बेटी सफ़ा भी उधर ही है। जब से पाकिस्तान से मैं आया हूँ, मुझे आज छठा दिन है, लेकिन आते ही जॉब पे स्टार्ट हो गया था काम मंडे से, और मुझे फिर टाइम ही नहीं मिला जाने का वर्जीनिया। तो आज हम जा रहे हैं सफ़ा को लेने। ये है जी जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज, जो कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को आपस में मिलाता है। ये हडसन रिवर पर वाक़े है। छोटे काके के गिफ्ट भी है जो पाकिस्तान से लेके आया हूँ। तकरीबन छोटे बेबी और उसके पेरेंट्स का जो एक बक्स है गिफ्ट्स का। अभी हम रुके हुए हैं सर्विस एरिया में जो है मैरीलैंड में, तो इधर से लूँगा मैं काफ़ी, इसके बाद फिर रवाना होंगे। अभी हमारा 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है। ये है जी सर्विस एरिया इधर, और ये पार्किंग लॉट है। वो जा रहा है रूट 95। ये है सर्विस एरिया, ये मसाज के लिए चेयर्स पड़ी हैं इधर। जिसने मसाज लेना हो इधर पैसे डाले और इधर चेयर पे बैठ के मसाज ले। पहुंच चुके हैं जी वर्जीनिया के वुडब्रिज, जहां छोटा बेबी रहता है। बस हम 4 मिनट दूर हैं हमसे। ले जी हम पहुंच चुके हैं बेबी के पास वर्जीनिया। बेबी मुझे बड़े गौर से देख रहा है, 1 महीने के बाद मिला है ना मुझे, इसलिए थोड़ा सा देख रहा है। जैसे ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो सफा, तो मैंने मिस किया सी। सही सही दस जरा, तू मिस किया से बेटे, गर्मी बहुत गर्मी देखती पई है तू, किदा देखती पई है। 1 महीने बाद तो मिले आपा, बेबी मुझे मिस किया था आपने, मिस किया था। चलो हम खाना इकट्ठे खाते हैं ना फिर। आजो 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 आजो, ये खाना आ गया है। हम मिलकर खाना खाते हैं, रोना नहीं, रोना नहीं, ये गलत बात है। 1 महीने में आप बदल जाते हैं यार। अब होने लगे हैं जी काके के गिफ्ट खुले लगे। ऐ नहीं कि अपने गिफ्ट देख, चलो उधर ये चलो जी। ऐ खुल गए जी गिफ्ट। ए पहला गिफ्ट ऐसी जड़ा मैं एयरपोर्ट का के इधर देखो बेबी, स्पेशली बेबी, स्पेशली फॉर द बेबी, स्पेशली फॉर द बेबी। सारा नो फॉर द साइज सेम ही ये ये वो बेबी साइज ना होना। मेरा नाम ही लिखे अल जहर, अल जाबर आया फॉर सारा। Hello, hello. A glass here. Zara, you can eat this. Mommy ne. Mommy ne nahi. Ye hai baby ke papa ka gift suit. Aa inhone last ki aa last ki naal deti hai. Ye hai baby ka next gift. Ye kya hai ji? Beautiful, so beautiful, so hot. Baby ka dusra gift. Wow. बेबी डर के भागदा है। 1 मिनट पापा बेबी दे रिएक्शन। बेबी तू देख यार तेरे तो कपड़े। एक होर सी सो प्रीटी। ए आई बेबी दा वाओ आ दियो नु प्रीटी।
बेबी का और गिफ्ट आ गया जी। ये है जी बेबी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबी की तरह शूज। एक ये हो गए बेबी, ये ले लो। और और ये दूसरे शूज है बेबी के। और ये है तीसरे शूज। ये है जी बेबी के लिए गोल्ड की बैंगल। वाह बेबी ये देखो, बेबी ये लो ये गोल्ड बेबी नोट। ओ यार इधर देख ला, ये है जी गोल्ड की कड़ा। नहीं थोड़ा जा थोड़ा जा। वो गोल्ड के थे, अब ये चांदी के कड़े हैं बेबी के लिए। सिल्वर बैंगल्स। सही है। आप इस तरह करो ना, अपने अभी तासरा तो बताओ ना बेबी। बेबी कितने गिफ्ट आपको मिले हैं? बेबी कैसा फील कर रहे हो आप? अब हम आपको दिखाते हैं, मेरे दोस्त हैं मेरे साथ व्लॉग में भी आते रहते हैं, रेहान साहब जो कि फैसलाबाद से जिनका तल्लक है, इधर मेरे साथ ही अमेरिका में हमारे साथ वाले टाउन में रहायश पजीर हैं, उनकी बेटी हीरा जो मेरी भतीजी हैं वो ऑनलाइन क्लास ले रही थी जिन्होंने कुरान मजीद खत्म किया, उनकी आमीन का प्रोग्राम हमने अच्छे तरीके से किया। रेहान साहब ने खाना ऐसे ही किया था जैसे कि किसी वलीमे का खाना हो। चलिए आपको दिखाते हैं। अच्छा अभी भी खाना पहले सबने गिफ्ट ले लिया। हाँ पहले गिफ्ट ले ले, पहले हम ही देंगे। निकल आए जैनी, एडी कोई गल नहीं, साडा ओरिजिनल कलर है, साडा ओरिजिनल कलर है, साडा ओरिजिनल कलर है। देओ गिफ्ट देओ बाद गिफ्ट दे। हां गिफ्ट खोलना भी सामने है ना? नहीं है मैं आपको बताऊंगा कि बहावलपुर में मैंने कहाँ रहायश रखी हुई थी। बहावलपुर का एक होटल है, बहुत ही नाइस होटल, प्रीमियर होटल, जो कि वानियम चौक से आगे है। आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है जी प्रीमियर होटल, जो कि वानियम चौक से आगे हासलपुर रोड पर शेल पम्प के पास है। इनका मैं जब अमेरिका से आ रहा था तो मुझे ये परेशानी थी कि किस होटल में ठहरें जहां फ्रेंडली हमें माहौल मिल सके। जब इनके साथ मैंने बात की और मेरे रिश्तेदार मैंने उनको भेजा कि यार कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जहां फैमिली का हम ठहरा सकें, तो उसने मुझे बताया कि जो होटल के मालिक हैं वो अपनी फैमिली के साथ होटल से अटैच जो बिल्डिंग है उसके साथ ही रहते हैं। तो तब मेरे माइंड में ये हुआ कि जब एक होटल का मालिक उसी होटल में रह रहा तो उसका माहौल बिल्कुल अच्छा होगा, और इनका माहौल वाकई बड़ा फ्रेंडली है। और मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने घर रह रहा हूँ या होटल में रह रहा हूँ।
आई विल रिकमेंड फॉर माई फैमिलीज़ और सब दोस्तों के लिए जो फैमिली के साथ एक अच्छे माहौल में रहना पसंद करें, तो उनके लिए बहावलपुर में ये एक बहुत अच्छा होटल है। के इधर सिक्योरिटी गार्ड हैं, बहुत अच्छी तरह अपने फ्राई सर अंजाम देते हैं और बहुत ही दोस्ताना बिहेवियर है इनका। हमें जब भी हम आते थे इधर गाड़ी पार्क करने बाहर से आते तो हमेशा मुस्कुरा के वेलकम किया हमें, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। हमारा दीन भी कहता है कि किसी के साथ खुश उसलूबी से पेश आओ, ये भी एक सुन्नत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। से अल्लाह हाफिज।